हिमाचल प्रदेश में तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे का मामला काफी गरमाया हुआ है। हिमाचल हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। निर्दलीय विधायकों की याचिका पर सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट की तरफ से विधानसभा स्पीकर और सचिव को भी नोटिस दिया गया था कि अपना जवाब दीजिए, और अब निर्दलीय विधायकों की इस्तीफे के मामले में सुनवाई चल रही है। निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उनका इस्तीफा स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया था। ये पूरा मामला हिमाचल प्रदेश में काफी चर्चाओं में रहा। ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो शिमला। प्रदीप, क्या कुछ अभी जानकारी है, क्यों इतना पेच फंसा निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया? शर्मा और के ठाकुर हैं, इन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दी है और इसमें ये गुहार लगाई है कि स्पीकर इनके इस्तीफे को स्वीकार करे, इसके लिए हाईकोर्ट उन्हें निर्देश दें। तो सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और विधानसभा सचिवालय की तरफ से कपिल सिब्बल जो नामी वकील हैं वो जो है वो विधानसभा सचिवालय का पक्ष रखेंगे और वर्चुअल माध्यम से वो इसमें जुड़ेंगे। आज इसमें बहस जो है वो इस वक्त चल रही है। हालांकि पिछले कल भी थोड़ी बहस हुई, हल्की उसमें चर्चा हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर विधानसभा सचिवालय की बात करें तो उनका पक्ष कल नहीं आ पाया था क्योंकि कोर्ट का टाइम पूरा हो गया था। फिर आज के लिए इसको जो टाल दिया गया था इस सुनवाई को, और सुनवाई इस वक्त चल रही है तो संभवतः आज कोई दिशा निर्देश जो है हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से जारी हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जो पक्षकार इसमें हैं, जिसमें एक तो तीन निर्दलीय विधायक हैं और उनके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सचिव और व्यक्तिगत तौर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, तो ये सभी अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि इसमें हाईकोर्ट क्या निर्देश जारी करता है। लेकिन इस बीच जो इसमें नया ट्विस्ट आया है वो ये है कि हरीश नाथा जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने भी हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दी है और उसमें इस मामले में उनको शामिल करने की गुहार लगाई गई है इस एप्लीकेशन के जरिए। तो अब क्या वो एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हरीश नाथा ने कहा कि जो ये सारा कैसे घटनाक्रम हुआ है और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं